नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है हरियाणा में सीटी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उसकी डेट को लेकर भी जहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के अंदर संशय था कि 5-6 तारीख में ये एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, तो इसी को लेकर जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आई है और साथ ही आपको ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा, क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ है। तो अगर आप इस जो नोटिस है इसे देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब जो हम आप इस ये जो नोटिस जो आया है उसकी ओर चलते हैं। तो अब हम जो हमारा जो नोटिस है हम इसकी तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, हरियाणा में सीटी उम्मीदवारों से परीक्षा दिए जाने के लिए बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बसों में किराया लिए की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम जो है उसी डेट में रहेगा। क्या कुछ पूरी खबर है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ने अफसरों को दिशा निर्देश, ये अलग है, यहाँ से आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार में ग्रुप सी पदों के लिए आगामी 5-6 नवंबर को होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए उम्मीदवारों से बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफसरों को निर्देश दिए, मगर इसकी घोषणा आदमपुर उपचुनाव के बाद होगी क्योंकि अभी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। दैनिक सवेरा को इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी मिल गई और एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्योंकि लगभग 11.5 लाख उम्मीदवारों ने सीटी के लिए पंजीकरण कराया है और उम्मीद की जा रही है कि यह परीक्षा देने के लिए 90% से ज़्यादा उम्मीदवार पहुंच सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने, उनके ठहरने का इंतजाम करने के साथ साथ बसों में किराया न वसूलने के लिए कहा गया है। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को जिला उपायुक्तों, परिवहन विभाग के अफसरों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। परिवहन विभाग को कहा गया कि वे बसों का इंतजाम करें, साथ ही जिला उपायुक्त भी व्यवस्था बनवाने में सहयोग करें, रेलवे का भी सहयोग लिया जाएगा। और मुख्य सचिव की बैठक के बाद परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने शुक्रवार शाम को ही परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जानकारी दी कि किस जिले से किस जिले में कितने उम्मीदवार परीक्षा देने जाएंगे। 1-2 दिन में फाइनल सूची आयोग की तरफ से परिवहन विभाग को दे दी जाएगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल का भी इसके लिए इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि उम्मीदवार को दिक्कत न हो और 300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र न बनाए जाए। तो इतने यहाँ पर उम्मीदवारों में से इतने उम्मीदवार हरियाणा के हैं, तो 11-36-894 में से आप देख सकते हैं 10-96-009 हरियाणा के हैं। वन टाइम पंजीकरण के लिए इतने उम्मीदवार हैं, इनमें से इतने हरियाणा निवासी हैं, इनमें से इतने पुरुष हैं और इतने महिला हैं और इतने दिव्यांग हैं। वैसे ग्रुप सी और डी के लिए वन टाइम पंजीकरण हुआ था, इनमें से जो है इतने उम्मीदवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई हुआ है, जबकि यह जो यहाँ पर दिया गया है इनका डाटा आधार कार्ड से हुआ है। रोडवेज के पास 2800 बसें हैं और आवश्यकता है 5000 बसों की। हरियाणा रोडवेज के पास इस समय 2800 बसें हैं। स्टेज कैरी स्कीम के तहत प्राइवेट बस ऑपरेटरों के पास लगभग 1400 बसें हैं। रोडवेज के 2800 बसों में से 2100 बसें ही उपलब्ध हो पाई क्योंकि लंबे रूटों पर दूसरे राज्यों में लगभग 700 बसें जाती हैं, इसलिए 3000 अतिरिक्त बसों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यह पोर्टल पर उम्मीदवारों की बुकिंग से पता चलेगा कि वास्तव में कितनी बसों की आवश्यकता होगी। शिक्षण संस्थाओं की बसों को भी लिया जा सकता है। राज्य परिवहन निदेशक डॉक्टर विजय ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि एडवांस बुकिंग के लिए काउंटर बनाए जाएं, उम्मीदवारों की बस नंबर, चलने का समय, पहुंचने का समय और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाए और बस अड्डे से बस चलेगी और जहां तक संभव होगा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के नज़दीक जहाँ तक संभव हो छोड़ा जाएगा। वापसी में उसी स्थान से गृह जिले के बस स्टैंड तक लाया जाएगा। प्रयास रहेगा कि परीक्षार्थी की तिथियों में स्थानीय बसें काफ़ी कम चलाई जाएंगी। और कहाँ के कहाँ पर सेंटर बनेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन जिलों के उम्मीदवारों की इन जिलों में परीक्षा होने की संभावना है, तो जिले के उम्मीदवार देख सकते हैं और किस जिले में परीक्षा होगी, उम्मीदवार की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर करनाल के हैं, करनाल जिले के जो इनका जो एग्ज़ाम है ये अम्बाला में होगा, हिसार वालों का भिवानी में, पंचकूला वालों का चंडीगढ़ में, पलवल गुरुग्राम का फरीदाबाद में, सिरसा वालों का फतेहाबाद में,
झज्जर रेवाड़ी वालों का गुरुग्राम में, भिवानी का हिसार में, जींद का कैथल में, कुरुक्षेत्र पानीपत वालों का करनाल में, और कैथलगढ़ ये जो कैथल और यमुनानगर जो है इनका कुरुक्षेत्र में होगा। चरखे दादरी वालों का महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद नूह का पलवल में, चंडीगढ़ का पंचकूला, सोनीपत का पानीपत, महेंद्रगढ़ का रेवाड़ी में, फतेहाबाद का सिरसा, रोहतक का सोनीपत और अम्बाला का यमुनानगर में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये नज़दीक के ही यहाँ पर ये सेंटर जो है इसमें देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर संशय अभी भी जो है अब यहाँ पर बना हुआ है कि 5-6 तारीख को होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जानकारी दे दी गई है। इस यहाँ से यहाँ तक आपके सेंटर होंगे। इसके अलावा एक और जो अपडेट भी आई है तो उसमें भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो अब जो हम यहाँ पर जो हमारी दूसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट हम इस पर आ चुके हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। सीटी देने जाने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में नहीं होगी असुविधा, मुख्य सचिव। परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने के लिए प्रबंध की गई है विशेष व्यवस्था। बसों की एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल और पोर्टल पर होगा पंजीकरण। तो इसमें भी देख सकते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। यहाँ पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ग्रुप सी के पदों के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा सीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार राज्य सरकार के द्वारा परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। परिवहन विभाग को जिला मुख्यालय और उपमंडल मंत्रालय से लेकर परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों को पहुँचाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी व उनके साथ आने वाले परिजनों के रहने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एवं उनके परिवारजनों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाए। इसलिए सभी जिला उपायुक्त अपने जिले में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला परिवहन प्रबंधन समिति का गठन करें। इसमें पुलिस अधीक्षक और रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसें जिला मुख्यालय और उपमंडल मुख्यालय से चलेंगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित जिला मुख्यालय पर छोड़ेगी। वहाँ से आगे परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इसके लिए जिला प्रशासन स्कूल बसों या अन्य वाहनों के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर भी वही जाए, बसों के एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल पर होगा पंजीकरण। तो ये जो मुख्य सचिव जो है इन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बसों की एडवांस बुकिंग मोबाइल ऐप और पोर्टल पर की जा सकेगी। इसके माध्यम से अभ्यर्थी बसों की सूचना, समय सारणी वगैरह की जानकारी हासिल कर एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन विभाग को रूट प्लान बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रत्येक बस अड्डे पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे का भी सहयोग लिया जाएगा और रेलवे स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। उम्मीदवारों के ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। और क्या है कि अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में धर्मशालाएं चिन्हित करें, साथ में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ भी समन्वय स्थापित कर संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को सुबह 10 बजे परीक्षा है, इसलिए संभावना है कि अभ्यर्थी 4 नवंबर की रात तक जिले में पहुँच जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी तैयारी रखें। तो यहाँ पर जो है इसमें ये पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम उसी डेट में है। अगर यहाँ पर इस लाइन को हम देखें, परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि सीटी परीक्षा के लिए 5 और 6 नवंबर को परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में 144 धारा जारी लागू होगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी की जो दुकानें वो बंद रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों का दौरा करें। परीक्षा केंद्र का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्र में केवल आधिकारिक लोगों का ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा इनविजिलेटर के पास भी मोबाइल फोन नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। इसके अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था और डायल 112 की ERV वाहनों को भी अलर्ट पर रखा जाए। परीक्षा पर नकेल कसी गई है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि हरियाणा कर्मचारी चयन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि परीक्षा NTA द्वारा करवाई जा रही है और राज्य सरकार कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में आयोग ने कार्य प्रणाली को मजबूत किया है। परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसी है। अन्य आयोग भी हरियाणा कर्मचारी चयन की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। यह परीक्षा अच्छी तरह से आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर इसमें जाए बात यही निकल के सामने आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 5-6 तारीख को ही होगा। तो अपनी तैयारी में आप लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो है यहाँ पर झूठे मैसेज या घूमते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए या आगे डेट बढ़ गई है।
तो अपने जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो यही जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।